साइबर सिटी में लगातार बढ़ती स्नैचिंग की घटनाओं पर ब्रेक लगाने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी थाना पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। एसीपी क्राइम की माने तो रोहित गुप्ता नामक एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी कि स्कूटी पर सवार दो युवक उसका मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए हैं। रोहित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की और इस मामले में दो युवकों को गिरफ्तार किया। मामले में गिरफ्तार दोनों युवकों की पहचान राहुल उर्फ अटैक और जतिन चोटानी के रूप में हुई है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ छीना झपटी, अवैध हथियार रखने, मादक पदार्थ रखने और छेड़छाड़ करने के कई केस दर्ज हैं। एक हफ्ते पहले ही NDPS के मामले में ये जमानत पर जेल से बाहर आए थे। ये दिनांक 21 तारीख की रात को एक रोहित गुप्ता नाम के व्यक्ति से प्रताप नगर में पैदल चलते हुए दो स्कूटी सवार, बाइक सवार जो नौजवान थे, उन्होंने ज़बरदस्ती उसका मोबाइल छीन लिया, जिसके संबंध में न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई। और इन्वेस्टिगेशन में SHO राजेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए अपने इंफॉर्मेशन नेटवर्क को एक्टिवेट करके और उसमें जो शामिल लोग थे, दो राहुल उर्फ अटैक और जतिन चुटानी, दोनों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की और इनसे पूछताछ करके इनकी जो स्कूटी जो इन्होंने प्रयोग की थी मोबाइल स्नैचिंग में, वो हमने बरामद कर ली है। और 50,000 रुपये जो इन्होंने वो फ़ोन छीनने के बाद उस फ़ोन के माध्यम से इन्होंने 98,000 के करीब की ट्रांजैक्शन की थी, उसमें से 50,000 रुपये पुलिस ने इनसे कैश रिकवर कर लिया है। एक मोटरसाइकिल उसमें प्रयोग की गई थी, वो मोटरसाइकिल भी हमने बरामद कर ली है और इनको आगामी इन्वेस्टिगेशन अभी इसमें की जा रही है। और पहले की इनकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में पता किया गया तो 9 मुकदमे तो राहुल के खिलाफ हैं और 4 मुकदमे चुटानी के खिलाफ हैं। ये NDPS के मामले में अभी बाहर आया था और इस तरह की पहले भी इसके खिलाफ काफ़ी केसेस हैं, तो हम इस सारे मामले को संज्ञान में लेते हुए आज इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करें। गुरुग्राम में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि पुलिस भी मुस्तैदी से काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद क्राइम कम होने का नाम नहीं ले रहा। पंजाब के सिटी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।